प्रदेश में मोहन सरकार ने शराबबंदी को लेकर भले ही आदेश निकाला हो, लेकिन इसका असर बुधनी विधानसभा में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। बुधनी में नर्मदा किनारे से 5 किलोमीटर अंदर शराब पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी खुलेआम डोर टू डोर ठेकेदार के द्वारा परोसी जा रही है। उक्त मामले में बुधनी में अवैध शराब को बंद करने को लेकर जयस और भीम आर्मी ने धरना प्रदर्शन किया। मेन मार्केट से लेकर तहसील कार्यालय तक रैली निकालकर नारेबाजी की, साथ ही अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। देखिए, जयस और भीम आर्मी द्वारा संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन में उन्होंने 9 मांगें अपनी रखी हुई हैं। 9 मांगों में विशेष रूप से उनकी जो मांग है कि शराबबंदी बुधनी क्षेत्र में, दूसरा ये जो बड़ी गाड़ियां शहरी क्षेत्र में आती हैं और उनसे जो एक्सीडेंट होते हैं उसके संबंध में उन्होंने विशेष कार्रवाई चाहिए। इसके संबंध में उन्हें बताया गया है कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, नियमानुसार जल्दी की जाएगी। इसके संबंध में विशेषकर आबकारी और पुलिस विभाग से चर्चा करने के बाद एक संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी, ये उनको जानकारी ऐसी दी गई है। देखिए, आज हमारे क्षेत्र में काफ़ी क्राइम बढ़ रहा है, उसका कारण है शराब, और शराब इतने धड़ल्ले से बिक रही है तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा नशे की हालत में बहुत ज़्यादा क्राइम कर रही है, और वो हमारे समाज के लिए बेसिकली चिंता का विषय है। इसीलिए हमने और यहाँ के जो लोकल इशूज़ हैं उसको लेकर के हमारी जो 6-7 मांगे थी कि जैसे बाहरी वाहन जो बुधनी शहर से निकल रहे हैं जिसके कारण हमारी गौ माताएँ, बहुत सारे जानवर वगैरह और हमारे जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है, गौ माताएँ आए दिन मर रही हैं, तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के सफाई अभियान को लेकर के कि इतना सारा मोटा पैसा सरकार का आ रहा है लेकिन सफाई नहीं हो पा रही है। कुछ कारण बता रहे हैं कि सफाई कर्मचारी भी बहुत कम है, तो यहाँ पर उस पर प्रशासन ध्यान दे, उसके लेकर के आज एक दिवसीय धरना थे और मैं विजयनगर के जिला पंचायत सदस्य इसमें उपस्थित हुआ था, और आगे इन मांगों को अगर कभी प्रशासन पूरी तरीके से अगर कभी इसमें निर्णय नहीं लेते हैं, न्यायिक कार्रवाई नहीं होती है, तो हम इसमें बड़ा आंदोलन यहाँ पर बुधनी में करेंगे और प्रशासन को इस पर कार्य को करने पर मजबूर करेंगे। वो शराबबंदी को लेकर और वो भी खासकर उसमें अवैध शराबबंदी, ये अवैध तरीके जो शराब बिक रही है, और ये बुधनी क्षेत्र का भी मामला नहीं है, ये आप सिवनी मालवा देख लो, सोहागपुर देख लो, पिपरिया देख लो, बनखेड़ी देख लो, बख्तरा देख लो, और यहाँ तक कि देखा जाए तो पूरा मध्य प्रदेश आप देख लो, और इसमें सरकार की मिलीभगत है, इसमें पुलिस प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के बगैर ये अवैध काम नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं इसमें अगर देखा जाए तो जो अवैध शराब गांव-गांव बिक रही है इसमें कहीं ना कहीं हफ्ता है ना, इनका जो 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 इनका जो शेयर है ये पुलिस प्रशासन को भी जाता है।